हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 गणित के पेपर की, जिसका विषय कोड जो 131 है। और पेपर कोड की अगर बात करें तो 324, संकेतांक FJ है। ये बनारस मंडल का पेपर है। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके निर्देश दिए गए। तो वही कॉमन निर्देश दिए गए हैं कि 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए गए हैं, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। पेपर में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं यानी नंबर हैं, वो उनके सम्मुख यानी उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, ऐसा लिखा हुआ है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करें और अंत तक करते जाएं, जो प्रश्न ना आता हो। हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही माइंड कर लें, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय बर्बाद ना करें। तो ये निर्देश कॉमन हो गए। तो आपको बता ही चुका हूँ कि ये बनारस मंडल का पेपर है। इस पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करना है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न की क्या प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 10 इनवर्स √3 - sec inverse - 2 का मान होगा या पाई या -π/3 या π/3 या 2π/3। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बता देते हैं सही आंसर कि क्या सही आंसर इसका होने वाला है। तो इसका सही आंसर होने वाला है दूसरा, -π/3 इसका सही आंसर होगा। खाक में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ग्रुप n दिया गया है और r = AB such that A = B - 2 और b जो है वो बड़ा है 6 से। तो इसके संबंध में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी आपको बता देते हैं कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपने सॉल्व भी किया होगा तो सही ऑप्शन जाने वाला है 4th ऑप्शन के साथ, यानी 6, 8 बिलोंग करेंगे कैपिटल R, जहां कैपिटल R क्या है, कोई ग्रुप, रेशनल ग्रुप है। प्रश्न 3 की अगर बात कर लें, सॉरी प्रश्न 1 के गा की अगर बात कर लें, तो 3x3 की जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह दिया गया है, तो इसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो कितना हो जाएगा। तो 512 या 81 18 या 27। तो इन चारों में से सही ऑप्शन आपको बताना रहेगा। तो सही ऑप्शन जाएगा पहले वाले के साथ, यानी 512 इसका सही आंसर होगा। अगर घाघ की हम बात कर लें तो घाघ में देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दिया गया है। कौन सा फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी पूछा गया अवकलनीय नहीं है, कौन सा अवकलन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 3rd के साथ, यानी f(x = x)/x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अड़ा की बात कर लें तो इसमें पूछा गया है भुजा में 3% वृद्धि करने पर भुजा xcm के घन के आयतन की सन्निकटतम परिवर्तन कितना होगा। तो इतना होगा पहला जाएगा या दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही ऑप्शन जाएगा इसके साथ, कौन से ऑप्शन के साथ सही होगा। तो आपको बताते चलते हैं कि सही ऑप्शन जाएगा इसका 3rd वाला, 0.09 x³ और cm³। तो आपके समझ में आ गया कि सही ऑप्शन क्या होगा। ये इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिए गए हैं इंग्लिश वालों के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जिस पर हमको मिलने वाला है 1 नंबर। बहुविकल्पी पर भी 1 था और 2 नंबर प्रश्न पर भी प्रत्येक पर 1 नंबर मिलेगा। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी इसमें आप कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते। तो पहला आपको सामने रखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन से सवाल है। दूसरा वक्र और ज्योतरा भी इंटीग्रेशन से ही सवाल है। क्षेत्रफल से घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके ये जो आपका जो है परवलय है और y/3 से घिरे हुए अवकलन का क्षेत्रफल पूछा गया। गा की अगर बात कर लें तो अवकल का समीकरण दिया गया है dy/dx = x+1/ay-2 का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसको आप तो तैयार कर रखा होगा। सदिश की बात कर लें तो सदिशों के बीच का कोण, तो इससे तो हर साल एक सवाल आपके सदिश से रहना ही रहना है। फिर आ गया प्रायिकता की बात कर लें, तो प्रायिकता से पूछ दिया गया सवाल कि यदि a और b 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मान पूछा गया है कि P(a)·b ज्ञात कीजिए। फिर यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछे गए, जो कि इंग्लिश के छात्रों के लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न का मतलब प्रश्न नंबर 3 की बात कर लें, तो इसमें भी सभी प्रश्न अनिवार्य रहे हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, करना है आपको। और इसके अलावा सिद्ध कीजिए का में क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के सम्मुख जेड में r a b such that 2a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध फलन तुल्यता संबंध रखता है। ये आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। प्रश्न 3 में आपको मिलने वाले प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि प्रत्येक प्रश्न पर मिलने हैं 2 नंबर। इसी तरह आपको ये भी प्रूव करने के लिए
सवाल दिया गया जो कि आपका मैट्रिक्स का सवाल है या आव्यूह का सवाल हो सकता है, और इसमें बाद में ये आपका अवकलन का सवाल दिया गया है कि अवकल गुणांक ज्ञात करना है, घा की बात कर लें तो किस अंतराल में फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सी वर्धमान है, तो वर्धमान और ह्रासमान से पूछा गया है। फिर यही प्रश्न आपको इंग्लिश में पूछे गए जो कि इंग्लिश के छात्र होते हैं। तो देख चलते हैं प्रश्न नंबर फोर। प्रश्न नंबर फोर में भी आपको मिलने हैं पूरे दो नंबर जैसा कि त्रिवी मिल रहा था, तो इसमें भी सभी खंडों को हल करना है आपको। पहला सवाल इंटीग्रेशन से रखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का मान पूछा गया है। खा की अगर बात कर लें तो बिंदु टू माइनस टू फोर माइनस फाइव और वन टू थ्री को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो बताया था इस तरह के चैप्टर से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, और इस प्रश्न के ये जो आपका अवरोध ज्ञात करने का मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया, न्यूनतम मान किस पर ये आपको दे रखा है, किस पर ज्ञात करना है, तो इस पर भी मिलने वाले हैं आपको पूरे दो नंबर। अगर ये प्रश्न आपने तैयार नहीं किए हैं तो इनको तैयार कर लें। आपके पास फिर प्रश्न वापस आ गया प्रायिकता से, जो आप देख पा रहे होंगे प्रायिकता एक परिवार में दो बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो इसके लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है कि परिवार में दोनों लड़के ही हों। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका दो नंबर में पूछा गया था। प्रश्न नंबर अगर पाँच की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किसी किन्हीं पांच प्रश्नों को, अभी तक सभी प्रश्न करना थे, अब यहाँ से बाउंडेशन लगा दिए कि सिर्फ पांच प्रश्न करना है। जैसा कि आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा दिया गया है, आप स्वयं इसको पढ़ लें, माफ़ कीजिएगा, फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि प्रभाषित है और ए सबसेट आप भी सिद्ध कीजिए कि आर तुलता संबंध नहीं रखता है, तो इस तरह के ये प्रश्न आपको देख पाए होंगे। अगले प्रश्न में खा में क्या दे रखा है कि यदि ए बराबर ये आपके सामने दिया गया मैट्रिक्स तो सिद्ध कीजिए कि ये जीरो होगा, यानी मैट्रिक्स होगा। इस तरह का सवाल एग्जांपल में भी दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इनको तैयार कर सकते हैं। गा की अगर बात कर लें तो गा में देख सकते हैं कि कॉस एक्स की पावर वाई और कॉस वाई की पावर एक्स है, तो डी बाई डी एक्स पूछा गया, यानी अवकलन से सवाल दिया गया। घा में आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स का मान जीरो टू पाई पर उच्चतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम से ये सवाल रखा गया है, जो कि आपके अवकलन की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो अड़ा की बात कर लें कि सिद्ध कीजिए सन्निकटतम मान ज्ञात करना है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सन्निकट मान ज्ञात करना हुआ है, और मिलने वाले हैं इन सभी सवालों पर पाँच नंबर। और सिद्ध कीजिए कि ये आपका सवाल मैट्रिक्स से दिया गया है, पूरा सवाल आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि क्या सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करने को उसने कहा है कि ये सिद्ध कीजिए, माफ कीजिएगा यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये सिद्ध करने को कहा गया टू एक्स वाई इजल टू एस टू एक्स वाई जेड और कोष्टक एक्स प्लस वाई जेड की होल क्यूब, इसको आपको सिद्ध करना है। वही प्रश्न आपको फिर इंग्लिश में दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं तो छः नंबर प्रश्न है, इसमें भी आपसे वही चीज़ पूछी गई है कि जो आपसे पूछा गया था कि खंड प्रश्नों को हल करना है, इसमें भी पाँच प्रश्न करना है और इसमें भी आपको पाँच प्रश्न मिलने वाले हैं। तो का की बात कर लें, का तो कॉट अंडर वुड एक्स प्लस टेन एक्स याद कीजिए, तो ये मिस्टेक आई है। अगर मिस्टेक है तो इसको आपको जो है परीक्षा में पूरे नंबर एग्जामिनर की तरफ से मिलेंगे, अगर बट अगर इसको आपने पेपर में अटेम्प्ट किया है, अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो फिर इस पर नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने इसको किया है, चाहे उसको क्वेश्चन करके आपने एक दो लाइन ही लिखी हो, तो इसको आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई भी गलती होती है तो उसको पूरे नंबर ही दिए जाते हैं। खा की बात कर लीजिए तो खा में आप देख पा रहे होंगे इसमें न्यूनतम दूरी पूछी गई है, तो किताब में आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी न्यूनतम दूरी के कई एग्जांपल रखे हुए हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। गा की बात कर लें तो अवकल समीकरण आपको दिया गया है कि एक्स कॉस वाई अपान एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई अपान एक्स प्लस एक्स का हल ज्ञात करना है, तो ये भी इस पर मिलने वाले हैं आपको पूरे पाँच नंबर, पाँच नंबर। इसके बाद अब बात कर लेते हैं घा की, तो आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत कहती है। तो आपने देखा होगा किताब में रैखिक प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है, उससे हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको ज़रूर तैयार कर लें। और उसके बाद में अड़ा की बात कर लें तो एक कार्ड में एक बक्से में 10 कार्ड रखे हैं, एक से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, उनमें अच्छी तरह मिलाया गया है, बक्से से कई कार्ड यादृच्छा यानी निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक तथा इस संख्या का सम हो, तो इस तरह से पूछा गया। जैसे चा में 3 ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी बराबर 5 हो, तो प्रत्येक के अन दो राशियों का योगफल लंबवत है, तो पूछा गया है मॉड ए प्लस बी प्लस सी को ज्ञात करना है, इस पर भी मिलने
मिलने वाले हैं आपको पूरे 5 नंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है तो उसमें आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर, और इसमें आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर जो आपका 7 स्टार्ट हुआ है, इसमें एक ही प्रश्न करना है। जैसे का आपने कर लिया तो फिर आपको खा करने की ज़रूरत नहीं है, या खा कर लिया तो का की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न करना है और मिलने वाले हैं आपको पूरे 8 नंबर। तो यहाँ से आपने प्रश्न तो देख ही लिए होंगे, एक समाकलन से है, दूसरा भी समाकलन के क्षेत्रफल से घिरे हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न का मतलब प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 की अगर बात कर ले तो निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 7 में एक खंड करना था, वैसा ही प्रश्न नंबर 8 में भी एक प्रश्न करना है। तो निम्नलिखित का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप व्यू विधि द्वारा आपसे समीकरण पूछा गया है। तो अगर इसमें हल में आपको बता दूँ तो x बराबर इसका 1 आएगा, और y बराबर जो आपका 2 आएगा, और z बराबर की अगर बात कर लें तो z बराबर 3 आएगा। इसको सॉल्व करके आप देख लें दोस्तों, यही आंसर आएगा। तो और इसमें खा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में दो चीज़ें दी गई हैं, खा और का और खा, तो इसलिए आप उसको दो कर सकते हैं। खा में अगर आप खा का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक ही प्रश्न करना है, और अगर आप खा कर अटेम्प्ट किया तो पहला और दूसरा आपको दोनों करना पड़ेगा, तब आपको 4-4 नंबर करके 8 नंबर मिलेंगे। आइए चलते हैं इस पेपर के लास्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो जिसमें भी आपसे यही कहा गया है कि एक प्रश्न आपको करना है और मिलने वाले हैं इसमें भी पूरे 8 नंबर। तो यदि a बराबर 133, 143 और 134 हो तो सत्यापित करना है, जिसको आपको सत्यापित करना है यानी दोनों साइड लेकर चलना है और आपको इसको सत्यापित करना है। अगर ये प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आता है तो इसमें आपको ये खा वाला प्रश्न भी उन्होंने दे रखा है कि अगर वो नहीं आता है तो ये खा प्रश्न आप दिखाइए। y = c1e x cos bx + c2e x sin bx, जहाँ c1 c2 अचर हैं, अवकल समीकरण है, तो इसको आपको करना है, इसको प्रूव करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी 9 नंबर में का या खा में से आपको एक ही करना है, मिलने वाले हैं इस पूरे 8 नंबर। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।